नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल बथानी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसा कि आप जानते होंगे कि कल व्हाट्सएप में एक अपडेट आया था। इस अपडेट में हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले थे। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उस अपडेट में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन कल जब मैंने रात को व्हाट्सएप को देखा तो मुझे एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा। इस बदलाव के ऊपर अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाया। ये वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा क्या है वो चेंजेस, कितना बड़ा अपडेट आया है। ये सारी चीज़ें बताऊँगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज। उसके लिए आपको अपना डाटा कनेक्शन ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पे चले जाना है। व्हाट्सएप पे चले जाने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा कुछ इस तरह का। उसमें क्या चेंजेस आया वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चेंजेस आए। जैसे मैंने ये, तो यहाँ पर आप मोर पे क्लिक करेंगे तो जिस यहाँ पर अब सैंड पिक्चर से आप गैलरी में जैसे ही जाएंगे, तो मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यही फ़ोटो ले लिया, तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऐड ए कैप्शन। यहाँ दोस्तों ये नया ऑप्शन आया है, इसका क्या यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप कोई भी फ़ोटो अगर सेंड करेंगे तो उसके नीचे आप कुछ भी टेक्स्ट को लिख पाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने अभी लिख दिया ए डी सी, जो भी आप जो मन करे वो लिख सकते हैं। और जैसे लिख के आप सेंड कर देंगे तो आपके सामने ऐसा आपका इमेज हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको टेक्स्ट भी देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ इमेज भी। तो ये आप इससे आप टेक्स्ट और इमेज दोनों एक साथ ही भेज सकते हैं। यही एक बहुत बड़ा अपडेट आया था जो मैंने कल देखा, तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे आप मेरे लेटेस्ट वीडियो पा सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।